अशोका गार्डन थाने में कांग्रेस ने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ नर्सिंग घोटाले में उनकी भूमिका की जांच के लिए आवेदन दिया। इस मौके पर दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, विधायक आरिफ मसूद, विभा पटेल और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। परिहार कॉलोनी चौराहे पर पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोका, जिससे दिग्विजय सिंह और पुलिस के बीच बहस हुई और कांग्रेस कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। बाद में दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी को थाना परिसर में ले जाकर आवेदन लिया गया, लेकिन अन्य कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं आने दिया गया। इस दौरान थाना परिसर में स्थित हनुमान मंदिर में महिलाओं द्वारा सुंदर कांड का पाठ किया जा रहा था। दिग्विजय सिंह ने इस पर तीखी आपत्ति जताई और साउंड सिस्टम की वायरिंग निकलवा दी। उन्होंने सवाल उठाया कि थाना परिसर में सुंदर कांड की अनुमति किसने दी। इसके जवाब में विवाद हुआ और थाना प्रभारी से भी तीखी बहस हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उमंग सिंगार और हेमंत कटारे के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे तनाव बढ़ा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भीड़ को तीतर बीतर किया। इस हंगामे के बाद दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता रवाना हो गए। सुंदरकांड आयोजन को रुकवाने पर महिला कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया और दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। थाना परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और सभी कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया गया। महिला कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह को सुंदरकांड रोकने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने इस बारे में एक आवेदन भी दिया है। पुलिस की समझाइश के बाद कार्यकर्ता वहां से रवाना हुए। आप पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताइए, क्या हुआ था उस टाइम जब आप लोग यहाँ पूजा कर रहे थे, उस वक्त क्या हुआ था? चलिए मैं आपसे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, बताइए आपका क्या नाम है? सुषमा चौहान जी। और आपका? नेहा दुबे। ये आप इसी कॉलोनी के निवासी हैं, यहीं आस पास? आप विस्तार से बताइए इस घटनाक्रम का क्या हुआ था, क्या अचानक जो कुछ हंगामा हो रहा है उसके पीछे क्या हुआ था? हम लोग तो अंदर सुंदरकांड कर रहे थे, हर 11 को करते हैं हम, सुंदरकांड हो रहा था। सुंदरकांड के बाद में जैसे पता ही नहीं चला, सारी महिला यहाँ बैठी हुई थी जी, और हनुमान जी का मंदिर था, अपने दोस्त का रखता सही बहनों का, वहाँ से अचानक भीड़ भाड़ की चिल्लाने की आवाज आई। हमने देखा तो दिग्विजय सिंह आए, और पहचानते तो है, वो कांग्रेस के नेता है, बुढ़ापे में शादी कर रहे हैं और उठ पटांग उनके काम है, तो कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता। आए उन्होंने आप तार खींच दिया और लाइट बंद कर दी, सुंदरकांड करवा दिया, आरती भी करने लगे, आरती भी नहीं करने दी। ये बहन के हाथ में चोट आई है, कितनी घबराई हुई है बहन, कितनी रोई बेचारी। इसको फिर उठाया इन्होंने तो बैठाया, उन्होंने इतनी अभद्रता की कि यहाँ तुम लोग सुंदरकांड क्यों करो, ये करके सुंदरकांड बीच में बंद करवा दिया। सोचिए, सनातन का अपमान ही किया ना, अपमान किया, भगवान को मानते नहीं है। बताइए, भगवान को वो मानते नहीं है, राम मंदिर का विरोध करते हैं, हर चीज का, हिंदुओं के पक्ष में जो मामला होता है सबका विरोध करते हैं, तो राम विरोधी है। एक तो है ना, वो सरला हत्याकांड में उनका, आप रिकॉर्ड खोल के देखिए, सरला हत्याकांड में इनका हाथ है, और अभी बुढ़ापे में शादी कर रहे हैं, इनकी कोई इमेज है ये बताइए? और ले देखे क्या महिलाएं मिलती हैं इनको, महिलाएं मिलती हैं उनके साथ। इस वक्त जब आप जो सुंदरकांड कर रहे हैं और ये जो परिसर आप मंदिर का देख रहे हैं, ये अशोका गार्डन थाने के अंदर है। देखिए वो गाड़ी के अंदर है, मालूम है यहाँ सब लोग हमेशा करते हैं सुंदर, नहीं वो आप लोग करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इस वक्त आपकी सहायता के लिए कोई महिला पुलिस कर्मी थाना परिसर से कोई नहीं? हमने आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है टीआई साहब को, लेकिन टीआई साहब पुलिस हमारा सहयोग नहीं कर रही है इस मामले में। वो शायद उनका प्रेशर, वो बहुत सारे लोग मिलकर आए थे, हमें तो जानकारी नहीं, हम तो ये देखिए पर्दे बंद थे, उसके बाद में हम लोग ये सब यहाँ कर रहे थे, उन्होंने बहुत गलत किया, बहुत ही गंदे व्यक्ति है वो, महिलाओं का विरोध करते, महिलाओं का मान सम्मान, सिंगार को देखिए उन्होंने महिलाओं के साथ क्या अत्याचार किया है, हेमंत कटारे को देखिए, एक बालिका की हत्या कर दी, उस पर बलात्कार किया और हत्या कर दी उसकी, गलत है कि नहीं है? किसी से 9 लाख रुपए का वो लिया, उनका जूना चिन्ह जो चलता है हरेरा कॉलोनी में हेमंत कटारे का, वहाँ भी अवैध काम होते हैं। आपने इस थाने में आवेदन दिया, हमने ज्ञापन दिया है, और अब पुलिस हमारा सहयोग अभी नहीं कर रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं सरकार से भी मदद चाहते हैं कि बहनों के ऊपर ये अत्याचार गलत है, उन्होंने आज हमको आरती तक नहीं करने दी सुंदरकांड की, हम लोगों का प्रदोष का व्रत था, ये बहन को चोट भी आई है, अब हमसे जो आगे बनेगा हम करेंगे, हम चाहिए घटना के लिए आगे भी कोई प्रदर्शन वगैरह करेंगे, हिंदू संगठनों से भी आपका मदद करेंगे, गिरफ्तार नहीं किया गया तो प्रदर्शन, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हमको करना पड़ेगा भाई, वो तो एक बार किया दो बार करेंगे, वो तो हमें करना ही है, हम तो ये चाहते हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए, महिला विरोधी है, महिलाओं का अपमान करते हैं। ओके, धन्यवाद, चलिए धन्यवाद, जल्दी कार्रवाई हो और उसको गिरफ्तार किया जाए। दिग्विजय सिंह, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दिग्विजय सिंह हिंदू विरोधी है, विरोधी है। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार करो। दिग्विजय सिंह हिंदू सनातन के खिलाफ विरोधी है। आप बताइए क्या हुआ था, क्या कारण था जो अचानक आज क्या प्रदोष का व्रत था हम महिलाओं का, और हम सभी लोग यहाँ पर सुंदरकांड करने आए। देखा मंदिर दिख रहा है यहाँ पर, हनुमान जी का हमेशा ही करते हैं, तो यहाँ पर आए सब लोग सुंदरकांड कर रहे थे। अचानक हमने देखा कि इतनी भीड़ भाड़ आई है, और दिग्विजय सिंह यहाँ यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी थी, और भगदड़ मच गई महिलाओं में। मतलब उसने इस तरह से अभद्रता की, आके लाइट के तार खींच दिए, सुंदरकांड बंद करवा दिया, और उसके बाद में आरती तक नहीं होने दी। उस धक्का उसमें धक्का मुक्की में ये बहन बिचारी गिर गई, और देखिए उसको चोट आई, और महिलाओं के साथ अभद्रता करने लगे, बदतमीजी करने लगे कि चलो जाओ यहाँ से हटो, बहुत सुंदरकांड हो रहा है। ये गलत बात है, हम तो ये चाहते हैं बहनों की तरफ से कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वो उन कहने के लायक भी नहीं है, वो उस कहने के लायक है, वो जी कहने के लायक भी नहीं है, वो क्योंकि जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता उसे कोई सम्मान का अधिकार नहीं है, उसे गिरफ्तार करना चाहिए। मैं पुलिस से निवेदन करूंगी कि वो उसे गिरफ्तार करे, हमने आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है, बस हम निवेदन करेंगे सरकार इस पर ध्यान दे, और टीआई साहब पे भी थोड़ा प्रेशर बने क्योंकि पुलिस हमारी सुन रही है। आप लोग के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप लोग एक आम नागरिक हैं, हम महिलाएं हैं, हम आम नागरिक हैं, महिला उत्पीड़न के लिए हम लोग काम करते हैं, महिलाओं की समस्याएं हम महिलाओं हमारा सुंदरकांड करते हैं, हमारी हम पार्टी हमारा कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी मंडली चलाते हैं, हम मंदिरों पे सुंदरकांड करते हैं, हमारी एक पूरी टीम है और हम लोग करते रहते हैं, हमेशा हर आयोजन करते हैं। उन्होंने आपको इसका कोई कारण नहीं बताया कि वो क्यों आपका सुंदरकांड करने आए हैं? वो बोलते ना राम का अस्तित्व नहीं है, दिग्विजय सिंह तो बोलते ना राम का अस्तित्व नहीं है, वो तो वो राम को मानते कहाँ है, उनको तो चाहिए, वो लोगों को नहीं पता था कि वो यहाँ आने वाले, हम पर भी उन्होंने विरोध किया, बताइए वो हिंदुओं के विरोधी है ना, वो हिंदू विरोधी है, वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, और उनके कांग्रेस पार्टी के लोग कर क्या रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, अभद्रता कर रहे हैं, किसी पर केस चल रहा है, किसी की मर्डर कर रहे हैं, हेमंत कटारे रहे हैं, इसका जागरूक प्रमाण है, जीतू पटवारी वो भी महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, उमंग सिंह उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी महिलाओं का अपमान किया है, केस खुलवा कर देखिए कितने सारे केस हैं उनके ऊपर, महिलाओं के सिर्फ महिलाओं के खिलाफ महिलाओं पर अभद्रता की है, पुरुषों पर तो जोर चढ़ता नहीं उनका, महिलाएं बेचारी इनको सीधी साधी दिखती हैं, पर ऐसा नहीं, हम लोग खड़े महिलाओं के लिए। लेकिन यहाँ पर तो आप पुलिस प्रशासन के साथ हैं, यहाँ पर तो थाना परिसर है, और यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई महिला पुलिसकर्मी या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं भेजा गया थाने से? बारे में महिला पुलिसकर्मी बाहर थी, हमें नहीं मालूम, हम तो ये सुंदरकांड कर दिए पूरे पर्दे बंद थे, हमको कोई जानकारी नहीं, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो एकदम से आया और उसने अभद्रता करना चालू कर दिया। जय जय श्री राम, जय जय